वेलकम टू माई चैनल। माई नेम इज़ हमज़ा हाशमी एंड आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल्स। आज हम इस लेक्चर में जानेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल्स की डेफिनेशन क्या है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के फंडामेंटल्स क्या हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन सी हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स की पर्सनल और प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में क्या इम्पोर्टेंस है, और इस पूरी वीडियो में आप ये जानेंगे कि कम्युनिकेशन के वेरियस एस्पेक्ट्स जो कि वर्बल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, लिसनिंग, एम्पथी, असर्टिवनेस और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पर मुश्तमिल होते हैं, वो किस तरह से एक आम इंसान की ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा हमारा एक अल्टीमेट गोल ये भी होगा कि हम इस लेक्चर के बाद इस काबिल हो सकें कि एग्ज़ाम के अंदर एटलीस्ट कम्युनिकेशन की डेफिनेशन और चंद एक इम्पोर्टेंट बातें जो उनको कोट के साथ कोट करके लिख सकें। तो अगर आप इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे इल्तमास करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। तो आइए चलते हैं सबसे पहले कम्युनिकेशन की डेफिनेशन की तरफ। मैंने जो डेफिनेशन यूज़ की है ये फिस्के की डेफिनेशन है और फिस्के के मुताबिक कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके नतीजे में इंडिविजुअल्स इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ या इमोशन को वर्बल और नॉन वर्बल सिग्नल्स को यूज़ करते हुए एक्सचेंज करते हैं। यानी कि कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ या इमोशंस का तबादला होता है, ट्रांसफ़र होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जो है इसके अंदर कुछ चीज़ें इन्वॉल्व हैं जिनमें इनकोडिंग होती है, पहले इनकोडिंग होती है, फिर ट्रांसमिटिंग होती है और फिर डिकोडिंग मैसेजेस होते हैं। तो ये तीन मेजर एक्शंस होते हैं जो कि परफॉर्म होते हैं और अक्सर औकात ये कॉन्शियस लेवल पर होते हैं और अक्सर औकात ये सब कॉन्शियस लेवल पर हो रहे होते हैं। कम्युनिकेशन ह्यूमन इंट्रैक्शन का सबसे अहम एस्पेक्ट है और ये हमें इनेबल करता है कि हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, हम एक दूसरे के साथ एक्सप्रेस हो सकते हैं और अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं और अपने एक्शंस के ज़रिए एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो ये थी एक जनरल सी डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। आई होप आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि फिस्के की डेफिनेशन जो है वो किस तरह से कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिवली बयान करती है। नेक्स्ट स्टेप में हम जानेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, कम्युनिकेशन स्किल की इम्पोर्टेंस क्या है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन के ज़रिए हम एक दूसरे को कनेक्ट कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स आज की फास्ट पेस्ड और इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड के अंदर वाइटल किस्म का रोल जो है वो अदा करते हैं, ना सिर्फ वाइटल बल्कि इफ़ेक्टिव किस्म का भी। चाहे आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, चाहे आप अपनी फैमिली से कम्युनिकेट कर रहे हैं, चाहे आप अपने कोलीग से कम्युनिकेट कर रहे हैं या किसी स्ट्रेंजर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपकी जो एबिलिटी है अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को क्लियरली और इफ़ेक्टिवली कन्वे करने की जो एबिलिटी है आपकी, ये आपको बहुत तरह से हेल्प आउट करता है। सबसे पहले तो बिल्ड एंड मेंटेन रिलेशनशिप्स। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्दी रिलेशनशिप की फाउंडेशन होती है। ये आपको इस काबिल बनाती है कि आप अपने थॉट्स, फीलिंग्स और अपने नीड्स को दूसरे लोगों के साथ, अपने रिलेशंस के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें और फिर ना सिर्फ शेयर करें बल्कि साथ साथ अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं और इसके अलावा आप एम्पैथाइज भी कर सकते हैं उसी हिसाब से। तो डेविटो की ये डेफिनेशन है 2016 की, ये डेफिनेशन है, आप इसको चाहें तो कोट भी कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड में मैं हर एक रेफरेंस का आपको फुल फॉर्म भी प्रोवाइड करूँगा ताकि आप इन रेफरेंस को, अगर आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं या आप कोई असाइनमेंट लिख रहे हैं तो उसके अंदर भी आप इसको कोट कर सकें। दूसरे नंबर पर जो इम्पोर्टेंस है वो है नेविगेट डिफ़िकल्ट सिचुएशन। हम में से हर कोई ये चाहता है कि जब डिफ़िकल्ट सिचुएशन आए तो किसी ना किसी तरह से उसमें से नेविगेट कर लिया जाए, उसको बहुत आसानी के साथ डील किया जाए। तो ये जो डीलिंग का प्रोसेस है कम्युनिकेशन, इसमें भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल जो है वो अदा करता है। तो कन्फ्लिक्ट जो है ये एक नेचुरल पार्ट है ह्यूमन इंट्रैक्शन। अगर ह्यूमन इंट्रैक्शंस को आप स्टडी करें तो कन्फ्लिक्ट एक नेचुरल पार्ट है जिसको स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल के जरिए से रिजॉल्व किया जा सकता है। फॉल्गर, पूल और स्टटमैन की 2013 की एक रिसर्च है और इस रिसर्च के मुताबिक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल किसी भी शख्स को, किसी भी इंडिविजुअल को इस काबिल बनाता है कि अगर कोई एक टॉक हो रही है, अगर एक कम्युनिकेशन हो रही है या एक इंट्रैक्शन हो रहा है और उस इंट्रैक्शन के अंदर कुछ कन्फ्लिक्ट
पैदा हो गई है, तो उस कन्फ्लिक्ट को बहुत ही आसानी से कुछ सॉल्यूशंस देकर रिजॉल्व किया जा सकता है। कम्युनिकेशन स्किल टीम वर्क और कोलैबोरेशन को बहुत अच्छी तरह से इन्हांस करता है, उसमें बड़ी बेहतरी लाता है। प्रोफेशनल सेटिंग के अंदर इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ही ज़रूरी है, कोऑर्डिनेट करने के लिए और कोऑर्डिनेटिंग टास्क करने के लिए, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन करने के लिए और टुगेदर वर्क करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपका वास्ता जो है प्रोफेशनल लाइफ में पड़ेगा, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती चली जाएगी। आप किस तरह से लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं उस हिसाब से लोग आपको जज करते हैं, और उसी हिसाब से आप कस्टमर बनाते हैं या कस्टमर आपसे खुश जो है वो आपके अखलाक से होता है, आपकी गुफ्तगू के अंदाज से होता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और यही चीज़ जो है डीड्स 2015 के अंदर भी उन्होंने ये चीज़ वाजे की है। नंबर 4 पर हमारे पास है डिसीजन मेकिंग की पावर को इम्प्रूव करना। देखिए, जब आप दूसरों के साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं तो आप दूसरे लोगों को समझना शुरू कर देते हैं, और आप ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं जिसे हर कोई बड़ी आसानी से समझ लेता है, तो उससे किसी दूसरे शख्स की ओपिनियन अपने हक़ में हासिल करने के लिए बहुत बेटर होता है। क्लियर एंड ओपन कम्युनिकेशन जो है ना वो आपको फैसिलिटेट कर सकती है बेटर डिसीजन मेकिंग से, बाय इंश्योरिंग दैट ऑल रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज शेयर्ड एंड अंडरस्टूड बाय एवरीवन इन्वॉल्व। लास्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो है कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करती है कम्युनिकेशन। देखिए, जब आप अपने आप को क्लियरली तौर पर एक्सप्रेस करने के काबिल होंगे तो ऑफ कोर्स ऑब्वियस सी बात है आप कॉन्फिडेंट होंगे। जब आप कॉन्फिडेंट होंगे तो आप सिक्योर वे में इंट्रैक्शन कर सकते हैं लोगों के साथ, आप इनसिक्योर नहीं होंगे, आप कॉम्प्लेक्स स्टेट में नहीं जाएंगे, एंगजाइटी की स्टेट में नहीं जाएंगे, बल्कि आप अपनी सेल्फ एस्टीम को मज़ीद इन्हांस करते चले जाएंगे। तो ह्यूमन इंट्रैक्शन जो है बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी शख्स की इन्हांसमेंट के लिए। आप देखते होंगे कि डेली लाइफ के अंदर वो लोग बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर जाते हैं जो जिनमें इंट्रैक्ट करने का कॉन्फिडेंस होता है, जो कि एक्सट्रोवर्ट टाइप होते हैं। अब आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ। अगर आपको कम्युनिकेशन की डेफिनेशन समझ आ गई है, कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस समझ आ चुकी है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कम्युनिकेशन की टाइप्स की तरफ। तो देखिए, सेवरल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, लेकिन हम रूल्स और कन्वेंशंस और चैलेंजेस को देखते हुए चंद ही टाइप्स जो हैं वो पढ़ेंगे, और वो चंद टाइप्स स्टार्ट होती हैं वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से। वर्बल कम्युनिकेशन, अगेन मैं फिस्के की ही डेफिनेशन लूँगा। फिस्के कहता है कि वर्बल कम्युनिकेशन रिफर्स टू द यूज़ ऑफ स्पोकन और रिटन लैंग्वेज टू कन्वे मैसेजेस, लिखकर या बोल कर, ठीक है, जो मैसेजेस आप कन्वे करते हैं वो वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं। और दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर एक्सप्रेसिंग आइडियाज, शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। तो वर्बल कम्युनिकेशन किस लिए इम्पोर्टेंट होती है? आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, और इसके अलावा रिलेशनशिप्स को बनाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। सेकेंड टाइप जो मैंने आपको बताई वो थी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन 1972 की ये डेफिनेशन है, इसके मुताबिक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो इनकम्पेसेस ऑल द वेज वी कम्युनिकेट विद यूजिंग वर्ड्स सच एज फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है, जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज एंड द टोन ऑफ वॉइस। देखिए, वर्ड्स के अलावा भी कुछ चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपके जेस्चर्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी टोन ऑफ वॉइस, ये सब चीज़ें जो है ये भी पढ़ी जाती हैं, एंड इनका भी बहुत अहम रोल होता है कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने में। नॉन वर्बल सिग्नल्स की अगर बात की जाए तो नॉन वर्बल सिग्नल्स जो हैं वो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं वर्बल मैसेज के साथ। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे बात कर रहा हूँ बट आई एम नॉट इन फ्रंट ऑफ यू, सो मे बी देर इज़ अ बैरियर, ठीक है, तो ये एक बैरियर है बीच में जिससे हो सकता है आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ ना आ रही हो। इसी वजह से यूट्यूब ये रेफर करता है कि अगर आप एजुकेट कर रहे हैं किसी को तो आपको चाहिए कि आप बजाते खुद जो है वो सामने आए, कैमरे के सामने बैठे और फिर उनको एजुकेट करें। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है वर्बल कम्युनिकेशन के साथ साथ, यानी कि रिटन और स्पोकन के साथ साथ अगर फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज और टोन ऑफ वॉइस का इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ज़्यादा हद तक कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप हमारे पास है लिसनिंग की।
जितने के बोलने वाले शख्स की टोन ऑफ वॉइस मैटर करती है, उसी तरह से लिसनर की भी एबिलिटी जो है वो मैटर करती है। ब्राउनेल ये कहता है कि लिसनिंग इज़ अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एज इट इनेबल्स अस टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द मैसेजेस बीइंग कन्वेड बाय अदर्स। ठीक है, एक्टिव लिसनिंग इन्वॉल्व्स नॉट ओनली हियरिंग द वर्ड्स बीइंग स्पोकन बट आल्सो अटेंडिंग टू द नॉन वर्बल क्यूज एंड एम्पैथाइजिंग विद द स्पीकर्स इमोशंस एंड पर्सपेक्टिव्स। तो लिसनिंग जो है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सुनना जो है वो मैटर नहीं करता, बल्कि साथ साथ जो नॉन वर्बल क्यूज होते हैं, जो नॉन वर्बल जेस्चर्स होते हैं, खाली सुनना इम्पोर्टेंट नहीं होता, बल्कि साथ साथ इमोशंस को भी सुनना उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना कि सिंपल वॉइस को सुनना। इसके बाद फोर्थ नंबर पर है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स, और दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज इजेंशियल फॉर बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स, ठीक है, डिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, ओके, एंड कोऑर्डिनेटिंग एक्शंस। तो ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है जो कि महदूद मुद्दत तक के लिए होती है और फिर ख़त्म हो जाती है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर आप एक या दो से ज़्यादा लोगों से एक्शन जो है वो कोऑर्डिनेट करवा सकते हैं। बट ग्रुप कम्युनिकेशन जो कि फिफ्थ टाइप है जो हम आज पढ़ रहे हैं, ग्रुप कम्युनिकेशन इज़ अनदर थिंग। ग्रुप कम्युनिकेशन में मैसेज का एक्सचेंज होता है बट एक मेंबर ऑफ ग्रुप या मेंबर ऑफ टीम के दरमियान होता है, मेंबर्स ऑफ ग्रुप या मेंबर्स ऑफ टीम के दरमियान होता है। इफेक्टिव ग्रुप कम्युनिकेशन जो है ये किसी भी बड़े पैमाने पर कोलैबोरेशन, बड़े पैमाने पर डिसीजन मेकिंग और बड़े पैमाने पर प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्रोसेस होता है। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पर्सनल लेवल पर भी हो सकता है और प्रोफेशनल सेटिंग में भी हो सकता है, दोनों तरह हो सकता है, लेकिन इंटरपर्सनल इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके बाद कम्युनिकेशन को अगर आप और ब्रॉडर लेवल पर ले जाएं तो आ जाता है पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग को लूकस ने 2015 में डिफाइन किया और उनका कहना है कि पब्लिक स्पीकिंग इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन और आइडियाज टू एन ऑडियंस। ठीक हो गया, ऑडियंस के सामने आप आइडियाज को प्रेजेंट करेंगे, लेकिन उन आइडियाज को आप प्रेजेंट करेंगे स्ट्रक्चर्ड और इंगेजिंग मैनर के अंदर। अब देखते होंगे बड़े बड़े पॉलिटिक्स होते हैं, वो बड़े स्ट्रक्चर्ड और इंगेजिंग मैनर के अंदर अपनी ऑडियंस के साथ बात करते हैं। ऑडियंस ना सिर्फ उन्हें समझती है बल्कि उनके साथ जज्बाती भी हो जाती है, और फिर इतनी जज्बाती हो जाती है कि किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार भी हो जाते। तो मास्टरिंग द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग कैन हेल्प यू इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस, परसॉड एंड इन्फॉर्म अदर्स एंड एडवांस योर कैरियर। तो लूकस 2015 का ये कहना है कि पब्लिक स्पीकिंग से ना सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस पैदा होता है बल्कि आप दूसरों को परसॉड भी कर सकते हैं, और इसके अलावा आप दूसरों को इन्फॉर्म भी कर सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, आप अपना कैरियर भी एडवांस कर सकते हैं।